प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही कमिटमेंट, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ लड़ा है। हमारे डॉक्टरों ने, हमारे कोविड वॉरियर्स ने, हमारे वैज्ञानिकों ने भारत का नाम ऊंचा किया है और एक साल की लड़ाई के बाद शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारत का रहा है। और इसके साथ साथ इसी एक साल में भारत ने दो दो वैक्सीन्स देश के लोगों के लिए ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। अभी मैंने बताया कि 6 करोड़ से ज़्यादा डोजेज जो है वो 75 से ज़्यादा देशों को भारत दे चुका है। अपने देश में भी 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डोजेज मिल चुकी हैं और लगातार इस लड़ाई में आज भी हमारे कोविड वॉरियर्स थके नहीं हैं। इसलिए मैंने पीजीआई के डॉक्टरों को, देश के कोविड वॉरियर्स को, और मैं तो आपको जर्नलिस्ट को भी कोविड वॉरियर ही मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी ग्राउंड जीरो पे लड़ाई लड़ी है पूरे एक साल जो है। सब लोग अभी भी पूरी मेहनत से लगे हैं। देश के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको किसी भी कीमत पर कमजोर मत होने दीजिए। 2 गज की दूरी, ठीक से मास्क का पहनना और अपने साबुन से हाथों को धोते रहना, ये शायद सबसे बड़ा एक प्रकार से टूल है हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई को जीतने के लिए। और दूसरा टूल जो हमारे हाथ में आ गया है वो है वैक्सीन। वैक्सीन को लगाने का काम, लगवाने का काम, उसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने में भी आप सब लोग हमारी मदद करिए। पूरी भारत सरकार ने सारे देश के लोगों के लिए वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध की है। 50,000 से ज़्यादा अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट, आपके घर के नज़दीक वैक्सीन आपके लिए उपलब्ध है। आप जो मामूली कीमत उसकी रखी गई है जो प्राइवेट अस्पतालों में ली जाती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप किसी भी सरकारी व्यवस्था में जाकर निःशुल्क उसको लगवा सकते हैं। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन के प्रति जन आंदोलन, इसको विकसित करने में सहयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है, यद्यपि देश में अनेक स्थानों पर पिछले समय में केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं दोबारा से, लेकिन इनका जो मूल कारण है वो हमारे समाज के अंदर लोगों के द्वारा कोविड को अब लाइटली लेना है, उसके प्रति जो लैक्सिटी हो गई है और लोगों को लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, हमको कोई लगाने की जरूरत नहीं मास्क, दूसरा लगा रहा है तो लगा ले, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में मास्क को या तो गले पे लटका के रखते हैं, जैसे आपने भी नाक के नीचे रखा हुआ है, और जो है या फिर जेब में रखते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये स्थिति जो है ये हमारे लिए घातक हो सकती है, और अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ा तो निश्चित रूप से कोविड जो है वो भारत से और दुनिया से धीरे धीरे करके चला जाएगा। इसमें कोई, मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर शक शुबा नहीं। सवाल, क्या सभी के लिए ओपन करने की कोई प्लानिंग है स्वास्थ्य मंत्रालय? देखिए, आप समझिए कि सभी के लिए तो पहली बात वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता नहीं है, और आज भी जो इसके लिए प्रायोरिटाइजेशन तय किया गया वो साइंटिफिक क्राइटेरिया से, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के द्वारा। हमारा जो नेशनल जो नेगवैक ग्रुप है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखता है, अगस्त में उसकी संरचना हुई थी, और सारे दुनिया के वैज्ञानिक अध्ययन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक्सपीरियंस, कोविड का एक साल का बिहेवियर, इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद ये प्रायोरिटी ग्रुप्स तय किए गए हैं। सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स को लगाया, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क की स्थिति में थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया, आज 60 साल से ऊपर वालों को प्रायोरिटाइज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि देखा गया कि इस उम्र के 80% से ज़्यादा लोगों को मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी हुई, और इसी प्रकार से 45 साल से ऊपर के जो साथ में दूसरी बीमारियां लेके जो हमारे थोड़े यंग लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। आने वाले समय में आप जानते हैं कि जो कोविड का जो वायरस का बिहेवियर भी डायनेमिक है, ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी डायनेमिक है, तो ऐसे डायनेमिक प्रक्रिया में जैसे जैसे समय की नीड होगी इसको, क्राइटेरिया को
आगे एक्सपेंड किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई एक्सपेंड करने में कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई सालों की यात्रा लगेगी। अभी देखिए कभी की बात तो जहाँ तक है वो जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा आपके सबके नॉलेज में आएगा। मैंने बताया कि ये फैसला कोई अकेले कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, हम लोग भी जो काम करते हैं वो साइंटिफिक स्क्रूटनी और साइंटिफिक गाइडेंस से करते हैं। तो जब हमारे को विशेषज्ञों की जिस प्रकार की सलाह होगी उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेट ये मेरा कहना है कि हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से इफ़ेक्टिव हैं, पूरी तरह से वो इम्यूनोजेनिक हैं और भारत के लोगों की रक्षा करना, उनको कोविड से बचा के रखना, इसको हम अपना सब परम धर्म समझते हैं। और इसके लिए देखिए अभी आपको जब सारे देश के लिए आज फ्री ऑफ कॉस्ट है तो अभी आगे के लिए तो आज इसके बारे में क्या बात करना। आप जानते हैं बजट में 35,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए रखा है, देश के लोगों की रक्षा के लिए रखा है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था और जरूरत पड़ेगी तो और भी उपलब्ध कराएंगे। सर पंजाब हरियाणा की अगर बात करें केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि सेकंड सर्ज की ओर जा रहे हैं कि हम लोग देखिए उसको सेकंड सर्ज या कोई पर्टिकुलर नाम देने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पंजाब में, महाराष्ट्र में और भी ऐसे कुछ स्टेट्स में 6-7 स्टेट्स में जो है 86% से ज़्यादा केसेस हमारे 6-7 जगह पे हैं। तो इन केसेस को और इन स्थानों को और भी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले सप्ताह मीटिंग भी की थी, सारे देश के चीफ मिनिस्टर साहब के, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी उसमें भाग लिया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्नॉलेज भी किया कि भाई यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा, बड़े बोल्डली कहा कि मैं यहाँ पर बहुत सख्ती करने वाला हूँ। हमें अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात जब कही। ये चंडीगढ़ आप मतलब आप एक पर्टिकुलर जगह की बात ना करो ना कि चंडीगढ़ में, मैंने तो आपको कहा कि 85-86% केसेस जो है देश में 6-7 जगह पे ही मेनली है। लेकिन चंडीगढ़ के बारे में भी मुझे जितने मैंने डाटा को स्टडी किया निश्चित रूप से पिछले समय के अंदर आज यहाँ शायद ये जो तीनों आपके जो ट्विन सिटीज हैं इसमें तीनों में मिला के जो है आपके पंचकूला में, चंडीगढ़ में, मोहाली में, सब में मिला के 500-600 केसेस शायद आ रहे हैं। तो ये अपने आप में पिछले समय में ये 20-30 तक पहुंच गए थे। तो निश्चित रूप से ये भी चिंता की बात है। अब इलाज वही है, अप्रोच वही है, उसी को आप लोग जरा हाईलाइट करिए। चंडीगढ़ में भी यहाँ तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पर भी अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे तो कैसे हम कोविड पर कंट्रोल करेंगे। सर लास्ट सवाल, जो वैक्सीन बनी है, वैक्सीन पूरी सेफ है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो चेंजेस कोरोना अपना रंग बदलता है कई बार और ये चीज है नहीं, कोई 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 इसके सारी चीजों के बारे में हमारे वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर रहे हैं। सब वायरसेस की जीनोम सिक्वेंसिंग हो रही है, म्यूटेशन की जीनोम सिक्वेंसिंग हो रही है और हमारी वैक्सीन जो है इसमें से एक वैक्सीन तो विशेष रूप से म्यूटेशन के ऊपर भी प्रभावी है बहुत ज्यादा।